सो देन ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट? कस्टमर आएगा या नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, बट इफ देवर समवन हु कुड टेक दिस गारंटी एंड से कि जब सेल्स होगा तभी मैं पैसा लूँगा, द बेस्ट बंदा होता, राइट? सो फ्लिपकार्ट ऑल्सो डज समथिंग सिमिलर टू दिस फॉर दी ब्रांड्स, फ्लिपकार्ट सेल्स सैमसंग एंड चार्ज परसेंटेज सेल्स पे, राइट? बट आर फ्लिपकार्ट एंड सैमसंग कॉम्पिटिटर और अमेजोन एंड सैमसंग कॉम्पिटिटर टू ईच अदर? नहीं है। सो देन फिर सैमसंग क्यों बोलता मेरे नेटवर्क से खरीदो? एडवर्टाइजमेंट करता सैमसंग खुद भी और बोलता मेरे नेटवर्क से खरीदो। कमीशन भी मींस दे गेट कमीशन आउट ऑफ इट। ओके परफेक्ट। सो कमीशन कौन? मींस अमेज़न गेट कमीशन आउट ऑफ मींस दे आर सेलिंग अ प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट अमेज़न। परफेक्ट। सो इज सैमसंग अ कॉम्पिटिटर टू फ्लिपकार्ट और इन स्पेन? सम काइंड मींस दे वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट बट दे आर पेइंग फॉर इट आल्सो। मींस इफ यू बाय फ्रॉम सैमसंग वेबसाइट दे विल गेट द होल प्रॉफिट। बट देन उसका मार्केटिंग का कॉस्ट जाएगा ना, वही मार्केटिंग कॉस्ट दे आर पेइंग वहाँ पे। बट देन आर दे कॉम्पिटिटर? तो इन इन ए सेंस लॉन्ग टर्म के एंगल से देखेंगे तो बिजनेस में ही थोड़ा कॉम्पिटिटर भी हो सकता है। सो ये कॉम्पिटिशन अभी मालूम है क्या चल रहा है? स्विगी ये सब एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मालूम है? लॉट ऑफ प्लेसेज रेस्टोरेंट एसोसिएशन आर लाइक बैटलिंग इट विद स्विगी फूडपांडा, राइट? होटल परफेक्ट। सो अभी इसीलिए नेक्स्ट लेवल ऑफ मार्केटिंग अभी बचा है, अभी आधा ही स्टोरी हम लोगों ने देखा है। सो अभी सबकी एवरी वन हैड अ रश टू एवरी वॉन्टेड टू रश टू दी मार्केट प्लेसेज। सो आई वॉन्टेड माई होटल ऑन मेक माई ट्रिप, आई वॉन्टेड माई रेस्टोरेंट ऑन जोमैटो फूडपांडा एंड दिस थिंग। सो व्हाट आई डिड वाज सिंस मैं यहाँ पे हूँ एंड यहाँ पे डिस्काउंट है तो मेरे कस्टमर्स भी अभी इधर आने लग गए, राइट? सो डोमिनोज डिस्काउंट जब दे रहा था, सो जोमैटो ये सब पे, डोमिनोज पिज्ज़ा हट, टुडे दे आर नॉट देयर है, लेकिन वो डील्स नहीं मिलते आपको, खुद देते हैं ना वो डील्स, उससे बेटर नोटिस किया है? सो पहले डील मिलता था तो जो कस्टमर 100 रुपया दे रहा था उसको डायरेक्टली, वो भी अभी 50 रुपीज़ दे रहा है, डील के थ्रू आ रहा है। तो अपने ही कस्टमर्स के लिए दे आर पेइंग मनी टू दी एग्रीगेटर्स, राइट? उनका खुद का वेबसाइट नहीं है, मेरे खुद खुद के कस्टमर्स उन्होंने वहाँ पे भेज दिया। हाँ उनके कस्टमर्स के लिए दे वुड वांट टू पे मनी बट नॉट फॉर देयर ओन कस्टमर्स, तो इसीलिए अभी वो खुद डील बेटर देते हैं सो दैट जो उनके डायरेक्ट कस्टमर्स हैं वो उनके वेबसाइट पे आकर के वो डील ले करके जाए, सो दैट। तो अभी ये चलता रहेगा अभी थोड़ा टाइम तक। तो स्विगी ने रेस्टोरेंट खोला अपना बैंगलोर में, जो सारे रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बोला बॉस हमारे कस्टमर का डेटाबेस तुमने उठाया अपना, तुम 4 क्लाउड किचन डालोगे एंड टुमारो यू विल स्टार्ट कम्पीटिंग विद मी, राइट? सो वो रेस्टोरेंट बंद किया उन्होंने। सो बट देन मेरे को ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में यही होना चाहिए। सो शुरू में यू बिल्ड कस्टमर बेस ऑन ब्रांड के नेम पे, देन ओवर धीरे धीरे यू वुड वॉन्ट टू मूव ऑन दी परसेंटेज हाई, राइट? सो 10, 20, 30%, बियॉन्ड 30% रेस्टोरेंट नहीं दे पाएगा लेट्स से। सो देन क्या बोलेगा बिजनेस वाले से, अरे हमारा तो इन्वेस्टर का पैसा है, वी हैव टू 40% पे जाने का तरीका इज वी गेट इन टू आर ओन प्रोडक्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज वाइट लेबल, वेर एन वी गेट इन टू आर ओन प्रोडक्ट। सो इफ यू वॉक इन टू क्रोमा, यू वॉक इन टू क्रोमा टू बाई एल जी सैमसंग का रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, बट यू हैव क्रोमा का भी ए सी, चार्ट ऑफ 10 पीपल वॉक इन 2 कुड बाई, तो वो दो में दे विल मेक लार्जर परसेंटेज कम्पेयर टू, राइट? सो दैट इज ए वाइट लेवल ऑफ मार्केटिंग। सो ओयो रूम्स इज अ वाइट लेवल ऑफ मार्केटिंग फॉर होटल्स, राइट? तो धीरे धीरे ऐसा जाएगा। सो विच मीन्स ऑल दीज एग्रीगेटर्स जितने भी ये सब प्लेटफॉर्म देखे दे आर ऑल कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो इन अ वे, दे आर ऑल कॉम्पिटिटर्स इन अ वे, राइट? सैमसंग बोल रहा है मेरे नेटवर्क से खरीदो, फ्लिपकार्ट अमेजोन बोल रहा है मेरे प्लेटफॉर्म से खरीदो, वहाँ जाने के बाद सैमसंग के अलावा कुछ भी दूसरा भी खरीद सकता है ना, राइट? तो एक दूसरा एक बंदा को मोबाइल फ़ोन खरीदना, सैमसंग बोलता सैमसंग खरीदो, फ्लिपकार्ट बोलता कुछ भी खरीदो मेरे से खरीदो, सो दे कुड बी कॉम्पिटिटर्स इन अ वे ऑल्सो, राइट? तो अभी बहुत सारे ब्रांड्स डायरेक्ट चैनल ई कॉमर्स में आना भी चाह रहे हैं, एम आई खुद से बेचता है वेबसाइट पर, कुछ प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिव वहीं से बेचता ही है, राइट? यू नॉट गो गेट सम ऑफ दोज प्रोडक्ट्स ऑन एग्रीगेटर साइट्स पे, नहीं मिलेगा, यू हैव टू बाई इट फ्रॉम दिस थिंग, राइट? सो दैट्स लाइक बीच का कुछ लेयर हटाना है, आई डोंट नो, बहुत ज़्यादा मुझे आइडिया नहीं है, बट यस। सो दीज आर गाइज हु डूइंग बिजनेस, सो दे ऑल डूइंग ऑल ऑफ दिस, राइट? वेदर इट्स सैमसंग और फ्लिपकार्ट और अमेजोन, बट देव देर समन हु इज नॉट अ कॉम्पिटिटर एंड स्टिल हैड दी अपॉर्चुनिटी टू सेल माई प्रोडक्ट, तो उसको आई वुड कॉल दैट पर्सन एज अ एफिलिएट मार्केटर इन ट्रू सेंस।
सो ऑफलाइन वर्ल्ड में इसको चैनल पार्टनर बोलते हैं, राइट। ऑनलाइन में इसको अफिलिएट मार्केटर बोलते हैं। डिफरेंस ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ ये है कि जहाँ पे चैनल पार्टनर बोलते हैं वहाँ अगर उसको ऑनलाइन किया तो वो ट्रैकिंग पॉसिबल नहीं है कि वो सेल उसके थ्रू ही हो रहा है। जैसे रियल स्टेट है, रियल स्टेट में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कुड बिकम अ चैनल पार्टनर फॉर रियल स्टेट, हो सकता है। एक सीए फ्लैट बेच सकता है, बेचना क्या है उसको, सिर्फ अपने पास फ्लैट का डिटेल रखना है। किसी क्लाइंट ने पूछा भाई इन्वेस्टमेंट सर एक लोन ले लो, यहाँ से टैक्स आपका बचेगा और ये देखो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, इनमें से खरीदा तो खरीदा, ही विल गेट सम परसेंटेज, ही नॉट हैव टू स्टार्ट सेलिंग, ही विल डू हिज ओन जॉब, बट साइड से कुछ ऐसा कर सकता है, राइट। सो देन ही बिकम्स अ चैनल पार्टनर, बट वहाँ पे डिसीजन मेकिंग लंबा है। इसी को अगर ऑनलाइन में करना चाहेंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के वेबसाइट के थ्रू कोई मेरे पास आएगा, लीड भरेगा, फिर वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और इसमें इंसान इन्वॉल्व है तो कोई भी झूठ बोल सकता है ना, इसीलिए इसको ऑनलाइन में अफिलिएट नहीं बोलते, राइट। सो अफिलिएट इज समवन हु कैन सेल माय प्रोडक्ट, हैज द पोटेंशियल टू सेल बट इज नॉट अ कॉम्पिटिटर। सो देयर इज दिस लेडी कॉल्ड निशा मधुलिका हु हैज़ अ वेबसाइट, शी राइट्स रेसिपीज एंड एडवर्टाइजमेंट से पैसा जनरेट करती है, एडसेंस से, यूट्यूब का भी चैनल है और ठीक ठाक अर्न करते रहेंगे। सो देन शी इज़ मेकिंग मनी थ्रू एडसेंस, राइट। एंड देन फिर लेट्स से बिग बास्केट उसको अप्रोच करता है और शी अप्रोचेज बिग बास्केट एंड शी सेज कि ये रेसिपी यहाँ पर लिखा, यहाँ पर इन्ग्रीडियंट्स हैं, ये इन्ग्रीडियंट्स अभी आपको घर पर चाहिए क्या, क्या करना है, सिर्फ एक बटन डालना है, राइट। शी डज नॉट हैव टू स्टार्ट सेलिंग, एक बटन डालना है, डू यू वॉन्ट दीज इन्ग्रीडियंट्स राइट नाउ, इफ यस जाओ उधर बिग बास्केट से ऑर्डर करो, घर पे सामान आ जाएगा, शी विल गेट परसेंटेज एंड शी विल नॉट स्टार्ट सेलिंग दिस, शी नॉट स्टॉप ब्लॉगिंग एंड स्टार्ट सेलिंग मसाला, राइट। देन शी कैन बिकम एन अफिलिएट मार्केटर, सो यू ट्राई टू बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ अफिलिएट्स बिसाइड सेलिंग इट योर सेल्फ। If you are big basket, you would want to set up an affiliate network also, people who can sell your product at a commission, right? But that's sales pay commission, while all these are upfront money and sales later, which is not sure whether wo sale hoga ki nahi hoga, right? So if you are a business on this side, then you would want to set up a network of affiliates. If you are on the other side, you would want to extend your revenue by being an affiliate to some other as well, right? So then that is affiliate marketing. एंड इसी अफिलेट का एक नेक्स्ट लेवल ड्रॉप शिपिंग का कुछ हो जाता है, ई कॉमर्स में चले जाते हैं तो बढ़िया। सो ये मार्केटिंग फिर हम लोग अपने लिए करते हैं, राइट। एंड फिर जो भी डेटा आता है एनालिटिक्स में हम लोग लेते हैं, इसको एनालाइज करते हैं एंड उसके बेसिस पे वापस ही हम लोग करते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस एज अ डिजिटल मार्केटर हमारा चलता रहेगा, राइट। सो दिस इज़ वॉट वी विल लर्न इन द नेक्स्ट 3 months, right, in terms of platforms, tools. So wherever it is possible to spend money, pay money and spend, so you will do that. I will pay money, you will spend money, right? So Google Ads mein hum log paisa add karenge, aap campaign banaoge, you will create campaigns for us or for your business, the choice is yours. Similarly on Facebook, you will create live campaigns, but wahan pe choice nahi, wahan pe you'll have to spend it for us. फेसबुक ऐसा अलाउ नहीं करता कि आई कैन ऐड सम मनी इन टू एन अकाउंट वेर एन, वहाँ पर एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मुझे अटैच करना होता है इसलिए। तो जहाँ जहाँ पैसा खर्च करके सीखना होगा वहाँ पैसा खर्च करके सीखेंगे, जहाँ जहाँ यू विल नीड एन एक्सेस टू डेटा, सो यू विल हैव एन एक्सेस टू गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल, जहाँ जहाँ डेटा चाहिए यू विल हैव एन एक्सेस टू ऑल दोज डेटा ऑफ लिप्स इंडिया, जहाँ जहाँ यू विल नीड टू अंडरस्टैंड प्लेटफॉर्म्स पेड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन के कुछ हमारे पास प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस है तो उसका एक्सेस आपको देंगे, जहाँ जहाँ ईमेल का, ईमेल मार्केटिंग, मेलचिम्प, ये सब के कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक्सेस आपको करेंगे एंड उससे हम लोग सीखेंगे। सो वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट क्लास में ही सारा चीज़ एंड वी ऑलवेज एम्फेसाइज दैट यू लर्न इट इन द क्लास इटसेल्फ। सो कोई हैंड आउट इसलिए नहीं देते, वी हैव अ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम विच विल बी फॉर योर रेफरेंस फॉर फ्यूचर ऑल्सो, बट इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट वी से कि ये ले करके जाओ, बिकॉज फॉर अस इट्स लाइक अगर नहीं समझ में आया तो 10 बार बैठ जाओ, आई मीन यू कैन सिट इन दिस बैच, नेक्स्ट बैच, नेक्स्ट बैच, सवेरे के बैच, वीकेंड के बैच, एनी ऑफ दी 13 batches रनिंग इन पुणे, राइट। बट देन सीखो तो क्लास में ही सीखो एंड 2 साल पहले भी सीखा रहे तो आके बैठ सकते हैं, राइट। सो दैट वेज वी वुड ऑलवेज वॉन्ट यू टू लर्न इन द क्लास, सो वी विल बी अलॉट इम्प्लीमेंटेशन ड्रिवन, strategy part yes I will take some strategy part also, but then yes, so between me and Nishant our focus will be on to first level that you guys are hands on in terms of implementation,
फिर स्ट्रैटेजी इज़ ए कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, ओवरनाइट नहीं आएगा वो, हर बिजनेस के लिए अलग अलग लगता है, राइट? एनी क्वेश्चन दैट यू वुड वांट टू आस्क? लेट हो गया है तो फर्स्ट सेशन नॉर्मली थोड़ा सा ये हो जाता है, बट नॉर्मली वील फिनिश 7:30-9:30 तक हम लोग ख़त्म करेंगे। कभी ऐसा सेशन चल रहा होगा हमारा और थक गए होंगे तो हम लोग उसे पहले भी कर सकते हैं, और अगर कभी 5-10 मिनट स्ट्रेच कर रहा हो, कोई टॉपिक चल रहा होगा तो स्ट्रेच कर रहे होंगे, बट अगर आप थक गए हो तो बता देना, ठीक है? चलो, सो देन फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट विथ वेबसाइट क्रिएशन एज एन वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग अभी वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे, देन वील ऑल्सो लर्न टू क्रिएट ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म ऑन दैट, एंड देन वील स्टार्ट विद द मार्केटिंग का पार्ट ऑल्सो, ठीक है?